वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले स्टेनो में डिक्टेशन से संबंधित नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अफगान शांति वार्ता के लिए तैनात अमेरिका के विशेष दूत जलमाय खलीलजाद ने भारत को तालिबान से बातचीत की सलाह दी है। विराम खलीलजाद की सलाह के बाद बहस जोर पकड़ गई है कि भारत तालिबान से बातचीत करे या नहीं। विराम पिछले साल जनवरी में भारत के नज़दीकी अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी भारत को तालिबान से बातचीत शुरू करने की सलाह दी थी। विराम दरअसल तालिबान की ताकत को अमेरिका मान चुका है। विराम उधर पाकिस्तान विरोधी कुछ अफगान नेता भी पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए भारत और तालिबान के बीच बातचीत चाहते हैं। विराम वैसे तालिबान भी अफगानिस्तान में भारत की मजबूत मौजूदगी को स्वीकार करता है। विराम हाल में कई तालिबान कमांडरों ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वे भारत से बातचीत को इच्छुक हैं। विराम वे अफगानिस्तान में भारत का महत्व स्वीकार करते हैं। विराम अफगान तालिबान पाकिस्तानी नियंत्रण से निकलने की कोशिश भी कर रहा है। विराम हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आईएसआई अभी भी तालिबान के एक बड़े गुट को नियंत्रण में रखे हुए है। विराम वहीं भारत विरोधी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के तालिबान के साथ अच्छे संबंध हैं। विराम जैश और लश्कर के आतंकी पिछले 4 दशक से अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद हैं और तालिबान को सहयोग दे रहे हैं। विराम पैरा भारत को अफगानिस्तान की वस्तु स्थिति का परीक्षण यथार्थ के धरातल पर करना होगा। विराम वस्तु स्थिति यह है कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद अफगान तालिबान अफगानिस्तान के कई इलाकों पर नियंत्रण करने में कामयाब रहा है। विराम अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की तरह मजबूती से तालिबान से लड़ नहीं पाए। विराम अशरफ गनी के कार्यकाल में तालिबान मजबूत हुआ। विराम कंधार और हेलमंद जैसे प्रांत में तालिबान इस समय बहुत मजबूत है। विराम अफगानिस्तान के पूर्वी राज्यों में भी तालिबान पहले से मजबूत हुआ है। विराम सच्चाई तो यह है कि इस समय अफगानिस्तान के 70% इलाके में तालिबान की मौजूदगी है। विराम 10 से 15% इलाके पर तालिबान का पूरा कब्जा है। विराम कई इलाकों में तालिबान सक्रिय है। विराम काबुल पर
कई हमले कर तालिबान ने अपनी ताकत दिखाई है। विराम, दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान से शांति समझौता कर तालिबान को और मजबूत बना दिया है। विराम, ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक विकल्प तालिबान से बातचीत भी है। विराम, हालांकि तालिबान को अभी भी भारत आतंकी संगठन ही मानता है। विराम, पैरा, अगर भारत तालिबान से बातचीत का रास्ता खोलता भी है तो कई व्यावहारिक समस्याएं आएंगी। विराम, इसकी बड़ी वजह है अफगान जनजातियों का आपसी संघर्ष है। विराम, पश्तून विरोधी जनजातियां उज्बेक और ताजिक पाकिस्तान की घोर विरोधी हैं। विराम, ये भारत के साथ रही हैं। विराम, यहाँ की चार प्रमुख जनजातियों में से एक पश्तून बेशक मजबूत है, लेकिन उज्बेक, ताजिक और हजारा जनजातियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विराम, इन जनजातियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहे हैं। विराम, संघर्ष का एक कारण जातीय है। विराम, संघर्ष का दूसरा कारण सत्ता और संसाधन पर कब्जे का प्रयास है। विराम, अफगानिस्तान की कुल आबादी में 42% पश्तून और 27% ताजिक हैं। विराम, तीसरी प्रमुख जनजाति हजारा है, जो तालिबान से सबसे ज़्यादा नफरत करती है। विराम, हजारा शिया समुदाय है और इसे ईरान का समर्थन हासिल है। विराम, भारत को यह पता है कि वर्तमान में अफगान प्रशासन में शामिल ताजिक और उज्बेक नेता भारत और तालिबान के बीच किसी भी तरह की वार्ता को पसंद नहीं करेंगे। विराम, भारत की समस्या यह भी है कि अफगान नेशनल आर्मी में हजारा ताजिक और उज्बेक जनजाति के लोग काफ़ी हैं। विराम, पश्तून विरोधी इन जनजातियों का भारत पर लंबे समय से विश्वास है। विराम, उज्बेक और ताजिक जनजाति के युवा लंबे समय से भारत में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। विराम, पैरा, तालिबान को लेकर भारत की कूटनीति फिलहाल दुविधा में है। विराम, इसके कई और मजबूत कारण हैं। विराम, तालिबान पश्तून जनजाति का संगठन है। विराम, पश्तून जनजाति में कई उपजातियां हैं और इसमें भी आपसी संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है। विराम, दूसरी ओर पश्तूनों की एक बड़ी आबादी उदारवादी सोच भी रखती है और उदारवादी पश्तून तालिबान के घोर विरोधी हैं। विराम, राष्ट्रपति अशरफ गनी और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी उदारवादी पश्तून हैं। विराम, उदारवादी पश्तून नेता शुरू से ही तालिबान का विरोध कर रहे हैं। विराम, भारत का संकट यह भी है कि सिर्फ ताजिक और उज्बेक ही नहीं बल्कि पश्तूनों का उदारवादी धड़ा भी भारत की तालिबान से बातचीत का विरोध करेगा। विराम, मौजूदा अफगान सरकार भी इसे पसंद नहीं करेगी। विराम, हालांकि पिछले साल जब अफगान शांति वार्ता चल रही थी तो हामिद करजई ने भारत को भी तालिबान से बातचीत की सलाह दी थी। विराम, इसका एक और कारण
भी बताया जाता है। विराम शांति वार्ता में शामिल अफगान तालिबान का कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हामिद करजई से अच्छे संबंध हैं, क्योंकि बरादर और करजई दोनों पोपलजई कबीले से आते हैं। विराम पैरा, लेकिन भारत की समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती। विराम अफगान तालिबान में दो मजबूत गुट काम कर रहे हैं। विराम इसमें एक क्वेटा सूरा और दूसरा हक्कानी नेटवर्क है। विराम हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानी सेना का खासा नज़दीक है और भारत का घोर विरोधी भी। विराम इसका मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी अफगान तालिबान में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। विराम यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता में तालिबान की तरफ से शामिल तालिबान कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास स्थानक कजई बेशक पाकिस्तानी सेना के नज़दीकी रहे हों, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह भी है कि भारत से उनका गहरा रिश्ता रहा है। विराम वे तालिबान के शासनकाल में राज्य मंत्री थे। विराम इस्तान नकजई ने देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लिया था। विराम पैरा तालिबानी कमांडरों की प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों में हुई है, इसलिए पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान का उन पर प्रभाव होना लाजिमी है। विराम लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अफगान तालिबान ने पश्तून गौरव को अभी तक नहीं छोड़ा है। विराम वे हमेशा से पाकिस्तानी हुक्मरानों को शक की निगाह से देखते रहे हैं। विराम समय समय पर उनसे विद्रोह भी किया है। विराम पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की निंदा भी की। विराम कई तालिबानी कमांडर पाकिस्तानी हुक्मरानों को झूठा दो जीभ और दो मुँह वाला बताते रहे हैं। विराम हक्कानी नेटवर्क बेशक मजबूत हो, लेकिन कई तालिबान कमांडर पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर अपना भविष्य तय करना चाहते हैं। विराम यही कारण है कि पाकिस्तान के तमाम विरोध के बावजूद अफगान तालिबान एक धड़े ने ईरान से रिश्ते बनाने में संकोच नहीं किया। विराम पिछले साल अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी से अफगान तालिबान ने अच्छे संबंध बना लिए थे। विराम यह भी सच्चाई है कि अफगान तालिबान ने डूरंड लाइन को स्वीकार नहीं किया है। विराम पैरा अफगान तालिबान के कई कमांडर भारत का क्षेत्रीय महत्व समझते हैं। विराम वे पश्तून जनजाति और भारत के अच्छे संबंधों की जानकारी भी रखते हैं। विराम तालिबान कमांडरों को यह भी पता है कि पश्तून जनजाति की बड़ी आबादी जो पाकिस्तानी मदरसों से दूर रही है भारत को अपना मित्र मानती है। विराम पाक अफगान सीमा के दोनों ओर पश्तूनों की बड़ी आबादी पाकिस्तानी हुक्मरानों को पसंद नहीं करती। विराम पाकिस्तान का पश्तून तहफूज मूवमेंट इसका एक उदाहरण है। विराम ऐसे में तालिबान को लेकर नई रणनीति
बनाने की ज़रूरत है, विराम। धन्यवाद।